देश में बच्चों से लेकर महिलाओं और वृद्धों के साथ होते यौन अपराधों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक दुष्कर्म और हैवानियत का कारण अब सामने आ गया है। माना जा रहा है कि इन हैवानियत के पीछे की असली वजह है पोर्न। अश्लील सामग्री ही इन आपराधिक मानसिकता और दुष्कर्म का मूल कारण है। हमारे देश भारत में अश्लील और उत्तेजित करने वाले कंटेंट की भरमार है, पर इससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इन कंटेंट्स पर पूरी तरह से भारत में रोक लगाई गई है। लेकिन फिर भी छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं तक के दुष्कर्म और हत्या के मामले में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अश्लील कंटेंट के प्रसारण से लेकर सेक्स टॉयज तक की बिक्री पर किस तरह की सख्ती और कानून है। भारत में पोर्न और सेक्स टॉयज को लेकर नियम कानून काफी सख्त है। एक तो ये कई कानूनों का मिला जुला स्वरूप है और दूसरा ये कानून मुख्य रूप से सार्वजनिक तौर पर मॉरल सिक्योरिटी यानी नैतिकता की सुरक्षा और इसके केंद्र में पोर्न कंटेंट पर कंट्रोल करने के उद्देश्य के साथ काम करता है। इस कानून में BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, IT एक्ट 2000 और POSCO एक्ट 2012 इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। BNS की धारा 294 और 295 महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इन धाराओं के तहत कोई भी कंटेंट जो किसी की यौन उत्तेजना को बढ़ावा देती है, ऐसी सामग्री अश्लील श्रेणी में आती है और अश्लील सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन करना या फिर प्रसारण करना अपराध है, जिसके लिए सजा का प्रावधान भी है। डिजिटल मीडिया में अश्लीलता प्रसारण को रोकने के लिए IT एक्ट में सख्त प्रावधान किए गए हैं। धारा 67, 67A और 67B ऑनलाइन अश्लील और यौन सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाती है। खासकर बच्चों से जुड़े पोर्न कंटेंट मामले में ये बेहद सख्त है। तो वहीं POSCO अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण रोल भी ये निभाता है। अधिनियम की धारा 14 के तहत बच्चों का यौन शोषण करने वाले लोगों को कठोर सजा का प्रावधान है। महिलाओं की आपत्तिजनक इमेज के खिलाफ भी कानून है। कानून 1986 गरिमाओं की रक्षा के लिए लागू किया गया है, जिसके तहत महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरों को पोस्ट करना या वायरल करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। सेक्स टॉयज को लेकर भारत में कानूनी स्थिति साफ नहीं है। इसकी बिक्री और विवरण के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन अक्सर पोर्न और आयात नियमों के तहत इन्हें अवैध माना जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के बावजूद ई रिटेलर्स को इन उत्पादों की खरीद बिक्री करते समय स्थानीय कानून और कस्टम नियमों का पालन करना पड़ता है। इन मामलों में बाजार में सेक्स टॉयज की उपलब्धता और इसके विज्ञापन को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हालांकि इन सख्त कानूनों के बावजूद कानूनों को ताक पर रखकर तमाम आपत्तिजनक सामग्री लोगों की पहुंच तक आसानी से पहुंच जाती है और समाज में हैवानियत का तांडव देखने को मिलता है, जिसकी जद में 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिलाएं भी आ जाती हैं, जिसे देखते हुए देश में और सख्त कानून की जरूरत महसूस होती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।